अब देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है रिलेटिंग टू वॉट द टैक्सेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर जो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान या रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स के बारे में अब यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है क्यों क्लैरिफिकेशन जारी किया गया एक है फॉरेन होल्डिंग कंपनी एक सेकेंड पैन का देख रहे हैं साहब एक सेकेंड एक्सप्रेस की इसमें देखना पड़ेगा क्या हो गया एक क्या है फॉरेन होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी यहां है उसकी सब्सिडरी कंपनी यहां पे है ये सब्सिडी कंपनी के एंप्लॉइज हैं ये सब्सिडी कंपनी के एम्प्लॉयज़ है और बेसिकली बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ये जो फॉरेन होल्डिंग कंपनी है ये एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान्स या रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स दे रही है किसको इनके एम्प्लॉयज़ को जिसका कॉस्ट कौन बीयर कर रहा है फॉरिन होल्डिंग कंपनी की जो कॉस्ट आई है उसको ये सब्सिडी कंपनी ये एम्बर्स कर रही है तो क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस की एम्बिट में आएगा क्या इशू ये है कि भाई अगर आपने कोई सब्सिडी कंपनी ने सर्विसेज इंपोर्ट की है क्या फॉरेन होल्डिंग कंपनी से कुछ और अगर की है आरसीएम के तहत टैक्स देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इशू ये सो दिस वॉज द इशू तो इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ द इंडियन कंपनीज इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट सम ऑफ द इंडियन कंपनीज प्रोवाइड द ऑप्शन टू देयर एम्प्लॉइज फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज किसके लिए अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफ देयर होल्डिंग कंपनी एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन पैकेज एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन पैकेज एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सच केसेस ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन सब्सिडरी कंपनी

ये शेयर इसको दिए जा रहे हैंज पार्ट ऑफ पैकेज ठीक है एज अ पार्ट ऑफ पैकेज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत जिसकी कॉस्ट कौन रिएमबर्स कर रहा है फॉरेन होल्डिंग कंपनी बेसिकली कि जो कॉस्ट आ रही है ये सब्सिडी कंपनी क्या कर रही है रि कर रही है तो यहां पे देखें डाउट्स आर बीइंग रेस्ड रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी वेदर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली टू द एंप्लॉज ऑफ इंडियन सब्सिडी कंपनी एंड सब्सिक्वेंट रियम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द शेयर्स या सिक्योरिटीज बाय इंडियन सब्सिडी कंपनी टू फॉरेन होल्डिंग कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज इम्पोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या इसको इम्पोर्ट की श्रेणी में लिया जा सकता है क्या बाय इंडियन सब्सिडी कंपनी फ्रॉम फॉरेन होल्डिंग कंपनी और क्या उस पर जीएसटी लगेगा क्या ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस क्या इंडियन सब्सिडी को उस पर जीएसटी देना है क्या आर के बेसिस पे तो बेसिकली देखो जो ये ईशॉप होते हैं या जो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान है या रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स है ये क्या है ये सिक्योरिटीज की नेचर के हैं सेम आर इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज ये सिक्योरिटीज की नेचर के हैं ये सिक्योरिटीज की नेचर के हैं सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, और अपन ने देखा था सिक्योरिटीज तो कोई गुड्स भी नहीं है नॉर सर्विसेज़, सिक्योरिटीज अना आर इधर गुड्स नॉर सर्विसेज स सेम इज नॉट लाइबल टू जीएसटी क्योंकि इस पर जीएसटी नहीं लग सकता अगर आप परचेज कर रहे हो सेल कर रहे हो तो अगर जो ईसॉप की जो कॉस्ट आ रही है सपोज करो जो कॉस्ट आ रही है वो एक्चुअल बेसिस पे सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को दे रही है तब तो क्या है सेम विल नॉट बी लाइबल टू जीएसटी पर अगर ओवर एंड अबाउ जो कॉस्ट आई उसके अलावा कमीशन दिया गया या जो एडिशनल चार्जेस दिए गए ये दिया गया तो ये माना जाएगा ट्रांजेक्शंस सर्विस का ट्रांजेक्शन माना जाएगा फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी और यहां पे उस एडिशनल कॉस्ट पे सेम इसका वर्ड इन एम्बिट ऑफ सप्लाई तो और जीएसटी लग जाएगा अंडर आर सी यानी इस पे। अदरवाइज जो ये एज अ पैकेज का पार्ट भी दिया गया है एम्प्लॉयज़ को तो ये शेड्यूल थ्री के अंदर आ रहा है शेड्यूल थ्री में नेगेटिव लिस्ट में आ रहा है कि जो भी सर्विसेज एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है इन कोर्स ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो वो सर्विसेज पे जीएसटी एस नहीं हो रहा है. तो क्लैरिफिकेशन देखिए द बोर्ड एयर बाय क्लैरिफाइज द इश्यूज एज अंडर द कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ऑप्शन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स टू देयर एम्प्लॉयज एज अ अस ऑफ इंसेविटाइजेशन एंड सेम इज कॉमनली रेफर टू एज एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्लान या एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान या रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स सच स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी या यूसेज डिपेंड्स अपॉन द एग्रीड एग्रीड अपॉन कंपनसेशन बिटवीन क्या द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय ई एस पी पी एंड ई सॉप्स दे आर टिपिकली प्रेजेंटेड एज ऑप्शन ये जो है ई एस पी पीज एंड ई सॉप्स

और ये सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस के एम्बिट में नहीं आते तो ये कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द टर्मिनोलॉजी यूज द फंडामेंटल असेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन रिमेन सेम फंडामेंटल असेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन रिमेन सेम दैट इज एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन पैकेज विद एम ऑफ मोटिवेटिंग एनहेंस्ड परफॉर्मेंस ठीक है अब यहाँ पे बेसिकली क्या है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ ईशॉप या ई एस पी पी या आर एस यू टू दी एम्प्लॉयज ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी में क्या स्टेप्स हैं पहला ये है कि डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी ऑप्शन देगी या फैसिलिटी देगी किसकी ईशॉप की ई एस की या आर की टू की टूच एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन पैकेज एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तभी तो ये मिलेंगे अदरवाइज मिलेंगे कैसे द एम्प्लॉज फिर एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन परचेज करेंगे वो शेयर्स एट द ऑप्शन वॉट एवर प्राइस प्राइस पे दिया गया है और बाय होल्डिंग द ऑप्शन दे वेस्ट द फॉरिन कंपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी क्या करेगी इशू करेगी ईसॉप किस को इशू करेगी एम्प्लॉइज को ऑफ द सब्सिडरी कंपनी द फॉरेन होल्डिंग कंपनी ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी इशूज ई सॉप ई एस पी पी और आर एस यूज विच आर सिक्योरिटीज या शेयर्स लिस्टेड ऑन फॉरिन स्टॉक एक्सचेंज टू द एम्प्लॉइज ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी देन उसके बाद क्या करेगी फॉरिन होल्डिंग कंपनी वो ट्रांसफर करेगी शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज ऑफ द सब्सिडी कंपनी फिर डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी क्या करेगी ये देखिए डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी जनरली रिएम द कॉस्ट ऑफ द शेयर टू द फॉरिन होल्डिंग कंपनी ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस विच आई द्रू एन एक्चुअल रेमिटेंस और थ्रू एन इक्विटी ट्रांसफर एज प्रिस्क्राइब बाय द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द ए एम्प्लॉयज होल्ड द शेयर्स एंड दे मे सेल दे मेटा लेटर डेट इफ दे सो चूज फिर जो दे होल्ड दी सेल एट द लेटर डेट इफ दे चूज अब बेसिकली क्या है जो फॉरिन होल्डिंग कंपनी है ये सिक्योरिटीज और शेयर ई सॉप या एस एस पी या आर एस यू टू द डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी अलॉट कर रही है ठीक है अब सिक्योरिटीज की बात हम देखते हैं कि सिक्योरिटीज Are neither considered as goods nor services. Further, securities may share Shammila as per Security Contract Regulation Act 1956. Accordingly, accordingly purchase or sale of shares or securities in itself is neither supply of goods nor supply of services. Therefore, in absence of such transaction, फॉलिंग अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज पर द जी एस टी एक्ट जी एस टी इज नॉट लेविएबल ऑन द सेट ट्रांजेक्शन ऑफ सेल परचेज और से ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर जी एस टी उस पर लेविएबल नहीं होगा फर्दर द कंपनीज ऑफर ई सॉप या एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज प्लान या आर एस यू टू देयर एम्प्लॉयज मोटिवेट दैम टू परफॉर्म बेटर एंड टू रिटेन द एम्प्लॉयज

सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन से दिस रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है देर फोर जी एस टी इज नॉट लेविएबल देर फोर जी एस टी इज़ नॉट लेविएबल ऑन कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर एक्टेज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी होल्डिंग कंपनी टू एम्प्लॉइज ऑफ डोमेस्टिकली क्या है शेड्यूल वन में आ गया शेड्यूल थ्री में आ गया और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत प्रोवाइड किए जा रहे हैं शेयर ये क्या है जीएसटी के लिए लेवेबल नहीं होंगे उसके बाद जो फॉरेन होल्डिंग कंपनी है इट डायरेक्टली ट्रांसफर द शेयर्स या सिक्योरिटीज टू द एम्प्लॉयज ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द सेट डोमेस्टिक कंपनी रिएम्बर्समेंट ऑफ सच सिक्योरिटीज या शेयर्स इज जनरली डन बाय डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी टू द फॉरिन होल्डिंग कंपनी ऑन से कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस ये जो रिएमबर्समेंट है ये कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ एडिशनल फीस मार्कअप या कमीशन तो सिंस द दैड रियम्बर्समेंट बाई डोमेस्टिक कंपनी टू फॉरिन होल्डिंग कंपनी इज फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स जो कि नाइजर गुड्स है नॉर सर्विस है द सेम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के एमपिट में नहीं आएगा ठीक है और इस पे कोई पर कोई जीएसटी लेवेबल नहीं होगा पर यदि फॉरिन होल्डिंग कंपनी चार्जेज एडिशनल फीस यदि फॉरन होल्डिंग कंपनी चार्जेस क्या एडिशनल फीस या मार्कअप या कमीशन यदि फॉरन होल्डिंग कंपनी चार्जेस एडिशनल फीस या मार्कअप या कमीशन फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी सब्सिडरी कंपनी फॉर इश्यूइंग ई सॉप या ई एस पी पी या आर एस यू टू एम्प्लॉयिज ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी देन सेम शेल बी कंसिडर्ड In the nature of consideration for supply of service, of facilitating, arranging transaction in securities or shares by foreign holding company to domestic subsidiary company, in this case, GST will be leviable on such amount as additional fees, or markup, or commission charged by a foreign holding company from domestic subsidiary company.

द फॉर होल्डिंग कंपनी एंड डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी बिटवीन क्या फॉरिन होल्डिंग कंपनी एंड डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी वे आर द फॉरिन होल्डिंग कंपनी इशूज ई सॉप या ई एस पी पी या आर एस यू टू द एम्प्लॉयज ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी रिएम्बर्स द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स टू द फॉरिन होल्डिंग कंपनी ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस However, in case the additional amount over and above cost of securities or shares is charged by the foreign holding company from the domestic subsidiary company, by whatever name called, GST would be leviable on such additional amount charged as a consideration for supply of services of facilitating or arranging the transactions in securities or shares by the foreign holding company. टू डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी जीएसटी शेल बी पे बाय द डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इन केस इन दैट केस इम्पोर्ट ऑफ सर्विस तो कुल मिला के बात ये है कंपनसेशन पैकेज के तहत दिया जा रहा है एम्प्लॉयज के, के केस में ये नेगेटिव लिस्ट के केम्बिट में आ रहा है फॉरेन होल्डिंग कंपनी ने जो ई सॉप दिए उसका रियम्बर्समेंट किया है एक्चुअल्स के बेसिस पे सब्सिडी कंपनी ने तो एक तरह से परचेज़ ऑफ सिक्योरिटी के एम्बिट में जी एस टी नहीं सक सकता क्योंकि शेयर्स ना तो गुड्स है ना सर्विस है पर ओवर एंड अबाउ जो कॉस्ट है उसके ऊपर कुछ लिया गया है तो वो माना जाएगा ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन्स फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ और वो सर्विस के एम्बिट में आ जाएगा उसमें जी एस टी सब्सिडी कंपनी को क्या है रिवर्स चार्ज बेसिस पे देना होगा तो ये ध्यान में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है करक्स ये कि इट इज क्लरिफाइड दैट नो सप्लाई ऑफ सर्विस अपीयर्स टू बी टेकिंग प्लेस बिटवीन द फॉरिन होल्डिंग कंपनी एंड डोमेस्टिक सबसिडी कंपनी वे आर द फॉरिन होल्डिंग कंपनी इशूज ईसॉप या ई एस पी पी या आर एस यू टू द एम्प्लॉइज ऑफ द डोमेस्टिक सबसिडी कंपनी एंड द डोमेस्टिक सबसिडी कंपनी रियम्बरसेज द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज या शेयर्स टू द फॉरिन होल्डिंग कंपनी On cost to cost basis. However, in cases where additional amount over and above the cost of securities, yes, shares is charged by foreign holding company from domestic subsidiary company by whatever name called GST would be leviable on such additional amount charged as a consideration for supply of service. Facilitating or arranging transaction in securities shares by foreign holding company to domestic subsidiary company. GST shall be payable on. डोमेस्टिक बाय डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी अंडर आरसीएम आरसीएम के तहत उसके इसमें डोमेस्टिक सब्सिडी कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा जो भी एडिशनल कॉस्ट रिकवर कर रही है होल्डिंग कंपनी अब दूसरा क्लैरिफिकेशन देखिए यहां पे क्या हो रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है अब वो क्या कर रही है वहीकल्स को इंश्योर कर रही है अब ये इंश्योरेंस कंपनी व्हीकल्स को इंश्योर करती है ठीक है ये इंश्योर्ड पर्सन है अब सपोज कीजिए व्हीकल का टोटल लॉस हो गया या फिर क्या है पार्शल डैमेज हो गया अब जो पार्ट्स हैं या स्क्रैप अपन बोले हैं उसके रिलेशन में बात चल रही है अब यहाँ पे क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी ये जो पार्ट्स और स्क्रैप्स हैं उसका जो या सालवेज जो है उसका एक एस्टीमेटेड जो भी वैल्यू आती है उसको घटाने के बाद ये अमाउंट जो भी है इंश्योर को दे दिया जाता है टोटल लॉस के केस में या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा अमाउंट इंश्योर को दे दिया जाए और ये पार्ट्स जो भी स्क्रैप है साल वेज है ये सब क्या है रखें इंश्योरेंस कंपनी तो इस पे जीएसटी की लायबिलिटी के बारे में एक इशू अराइज हुआ क्या लगेगा नहीं लगेगा कब लगेगा ये इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है सर्कुलर देखें क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ सालवेज सर्कुलर क्या है क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ सालवेज या रैक वैल्यू या रैक वैल्यू इक्ड इन क्लेम असेसमेंट ऑफ द डैमेज कॉस्ट टू द मोटर व्हीकल तो बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं विच आर प्रोवाइडिंग विच आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग जनरल इंश्योरेंस सर्विसेस बेसिकली जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं दे आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स मोटर व्हीकल्स को इंश्योर कर रहे हैं द कॉस्ट ऑफ रिपेयर या डेमेजेस ऑफ मोटर व्हीकल्स इनकर्ड बाई दॉलिसी होल्डर्स सच डेमेजेस टू इंश्योर्ड वहीकल सच डेमेजेस टू इंश्योर्ड वहीकल्स

इन क्लेम असेसमेंट ऑफ डैमेज कॉस्ट टू द मोटर व्हीकल तो बेसिकली क्या है कि क्या जीएसटी लगेगा क्या जो आपके व्हीकल का डैमेज हुआ और उसका जो सालवेज है या रैकेज है तो अब अंडर जीएसटी अपन देखे कि टैक्सेबल इवेंट क्या है सप्लाई है सप्लाई इज अ रेलिवेंट टैक्सेबल इवेंट फॉर लिविंग टैक्स एंड

अब इस इंस्टेंट केस में क्या हो रहा है इंश्योरेंस कंपनीज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ इंश्योरिंग द वहीकल या ऑटोमोबाइल फॉर एनी डेमेजेस एंड इन रिटर्न दे आर चार्जिंग प्रीमियम फ्रॉम द ओनर ऑफ द व्हीकल इट इज ऑल्सो नोटेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज बींग प्रोवाइडेड बाई इंश्योरेंस कंपनी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू गेट द डैमेज वहीकल रिपेयर या टू कंपनसेट द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट द डैमेजेस कॉस्ट टू द व्हीकल, टू द एक्सटेंड कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस या तो खुद कराएं या फिर क्या करें जितना खर्चा है उसको रीएम्बर्स करें एनी डिडक्शन मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द फाइनल क्लेम अमाउंट पेड टू द इंश्योर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ डिडक्टेबल्स जो कि प्री डिसाइडेड रहता है म्यूचुअली एग्री म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द इंश्योर एंड द इंश्योर्ड वाइटिंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन केस आर इन केसेस इज वे आर एज पर दॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबिलिटी टू पे द इंश्योर इज लिमिटेड टू इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू लेस क्या जो वैल्यू बचती है ऑफ सालवेज या डैमेज सालवेज और डैमेज उस केस में किसके पास रहेगा इंश्योर्ड के पास रहेगा क्वेश्चन ऑफ पेइंग जीएसटी ऑन द सेम विल नॉट अराइज इन द एंड्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी तो हेयर एनी डिडक्शन मेड बाय इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द फाइनल क्लेम अमाउंट पेड टू इंश्योर्ड इन फॉर्म ऑफ डिडक्टेबल्स विच इज से प्री डिसाइडेड एंड म्यूचुअली एग्रीड बाय द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर While signing the insurance contract, in cases where, as per the policy contract, the insurance company's liability to pay the insured is limited to the insured declared value of the vehicle less the value of salvage or wreck in cases of total loss of the vehicle. If the insurance claim is settled by the insurance company as per the terms of contract of insurance, deducting salvage or wreckage from claim settlement amount. जो सालवेज और रैकेज है उसके इसके अंदर क्या होगा सालवेज एंड रैकेज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड ओनरशिप फॉर सच रैकेज या साल्वेज रिमेन्स विद इंश्योर्ट ठीक है हाव एवर इन सम केसेस द इंश्योरेंस कंपनी में सपोर्ट सोर्सिंग ऑफ कॉम्पिटेटिव कोर्ट फ्रॉम वेरियस साल्वेज या रैकेज बाय अर्थ एंड इंश्योर्ट में सेलेक्ट द बेस्ट अवेलेबल ऑफ अर और सेल ऑफ साल्वेज या रैकेज ऑफ द डैमेज कार द इंशोर्ड मे ऑल्सो सोर्स कोर्ट्स फ्राम ओपन मार्केट एंड डिस्पोज ऑफ द रैकेज या डैमेज कार टू सच बायर इन इन एनी केस इसमें भी जो ओनरशिप ऑफ रैकेज है वो इंश्योर्ड की रहती है एंड नॉट ऑफ विद इंश्योरेंस कंपनी द सेम कैन बी डिस्पोज ऑफ बाय द इंश्योर्ड आय द डायरेक्टली और थ्रू गैराज और मे नॉट बी डिस्पोज ऑफ एज पर हिज विश एंड चॉइस the deduction of the value of salvage from insurance claim amount as per the terms of insurance contract and cannot be it cannot be said a consideration of any supply being made by insurance company the same cannot be regarded as consideration for any supply made by insurance company accordingly in such cases there does not appear to be any supply of salvage by insurance company and as such there does not appear to be any liability under gst on the part of the insurance company in respect of this salvage value however in situations however in situations where insurance contract provides for settlement of claim on full insured declared value without deduction of a salvage or wreck insured will be paid full claim amount विदाउट डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ से सालवेज वैल्यू उस केस के अंदर क्या होगा ये जो सालवेज है ये किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी जब आगे इसको डिस्पोज ऑफ करेगी तो बट नेचुर उस पर जीएसटी देना पड़ेगा तो इन सच अ सिचुएशन द साल्वेज बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर सेटिंग द क्लेम फॉर फुल अमाउंट एंड इंश्योरेंस कंपनी इज ओब्लीगेटेड टू डील विद द सेम और डिस्पोज ऑफ द सेम इन सच केसेज Outward GST liability on disposal or sale of salvage is to be discharged by the insurance company. Therefore, in cases where, due to conditions mentioned in the contract itself, general insurance company they are deducting the value of salvage as deductibles from claim amount, and the salvage remains the property of insured, and insurance companies they are not liable to discharge, uh, then this insurance company will not be. लाइबल टू डिस्चार्ज जी एस टी लाइबलिटी ऑन द सेम ओके हाउ एवर इन केसेस वेर इंश्योरेंस क्लेम इज सेटल्ड ऑन फुल क्लेम अमाउंट विदाउट डिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ सालवेज या रैकेज एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सालेज बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी विल बी ओब्लिगेटेड टू डिस्चार्ज जी एस टी ऑन सप्लाई ऑफ सालवेज टू द सालेज बाय तो ये अभी अपन ने ये दो नए सर्कुलर जारी किए थे उसके बारे में भी ये डिस्कशन किया